याद है मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था अगर आपका बजट 30,000 है तो कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट पीसी बिल्ड कर सकते हो। तो उस वाले वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस काफी बढ़िया आया, तो थैंक यू सो मच यार इतना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। तो एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मुझे पीसी बिल्ड करना है और मेरा जो बजट है दैट इज 30,000 और उसमें मेरे को स्ट्रीमिंग करना है। तो ये काफी ज्यादा टफ कमेंट था मेरे लिए, बिकॉज यार 30,000 में एक स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड करना ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रीमिंग करने के लिए जो मेन कंपोनेंट होते हैं दैट इज एक अच्छा सा सीपीयू एंड उसके साथ एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड। तो अगर आप लोग GTX 1650 जैसा भी ग्राफिक कार्ड लेते हो ना, फिर भी आप लोगों को 15,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे और उसी के साथ आप लोगों को एक ऐसा सीपीयू लेना है जिसमें 6 कोर एंड 12 थ्रेड होना चाहिए, बिकॉज अगर आप लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों का कोर एंड थ्रेड थोड़ा सा ज्यादा डिमांड करता है। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो और उसमें आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो विद ग्राफिक कार्ड और आपका जो बजट है दैट इज 30,000। और इससे भी अच्छी बात, मैंने जितने भी कंपोनेंट दिए हैं लगभग सारे के सारे आप लोगों को अमेज़न में मिल जाएंगे। सो इस बजट में अभी सबसे बेस्ट जो यहाँ पे आप लोगों को सीपीयू देखने मिलेगा दैट इज राइजन 5 3600। भाई जिस प्राइस रेंज में ये अभी मिल रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया सीपीयू आप लोगों को इस प्राइस रेंज में मिलेगा। इसमें आप लोगों को 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने मिल जाते हैं, इसका जो मैक्सिमम सीपीयू क्लॉक स्पीड है दैट इज 4.2 GHz एंड यहाँ पे इसको आप अनलॉक्ड कर सकते हो। 35 MB L3 कैश देखने मिल जाता है और 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन नोट पर ये बना हुआ है। अब देखो, आपको सिर्फ अगर गेमिंग करनी है तो आप लोग i3 12th generation के सीपीयू को ले सकते हो, बट आप लोगों को प्रोडक्टिविटी के साथ स्ट्रीमिंग और गेमिंग भी करनी है सो दिस इज वेरी गुड सीपीयू। अब इसका जो प्राइस है दैट इज 10,000 और गाइस ये अमेजन का प्राइस है। मैंने जितने भी कंपोनेंट बताए हैं वो आप लोगों को अमेजन में देखने मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। सो इसमें आप लोगों को जो मदरबोर्ड यूज करना है दैट इज MSI B450 Pro VDH Max गेमिंग मदरबोर्ड। इसमें आप लोगों को 4 RAM स्लॉट देखने मिल जाता है, मैक्सिमम 64 GB तक आप इसमें रैम लगा सकते हो 3366 MHz का और इसे आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों को एक NVMe स्लॉट भी मिल जाता है, तो आप लोग NVMe M.2 SSD इसमें यूज कर सकते हो। ओवरऑल एक काफी बढ़िया मदरबोर्ड देखने मिल जाता है आप लोगों को और इसका जो प्राइस है दैट इज 5,000, कभी कभी ये 6,000 में भी मिलता है। अब आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हो इसको किधर से बाय करना है, बिकॉज इसका अमेजन में प्राइस काफी ज्यादा महंगा है, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। अब देखो यहाँ पे मेरा सजेशन तो यही रहता है कि अगर आप लोग इस समय गेमिंग पीसी या फिर स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो लगभग आप लोग यहाँ पे 16 GB का रैम यूज करो तो आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा दैट इज वेरी गुड। बट प्राइस है 30,000 और भाई ग्राफिक कार्ड भी तो देना है, वो अभी के लिए आप लोग यूज कर सकते हो XPG का D30, 8 GB का DDR4 रैम, 300 MHz का काफी अच्छा रैम हो जाता है। मेरा सजेशन है अगर थोड़ा सा प्राइसिंग आप लोग पूछ कर सकते हो तो 16 GB रैम यूज करो, इसका जो प्राइस है दैट इज 2,100 रुपीज। नाउ बात करते हैं स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो XPG की तरफ से S5 256 GB का एक NVMe M.2 SSD विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए, बाद में इसमें आप लोग 1 TB का हार्ड ड्राइव भी ऐड कर लेना। नाउ अब आते हैं मेन कंपोनेंट दैट इज ग्राफिक कार्ड। अब देखो यार ग्राफिक कार्ड इस समय पे अगर आप लोग नया यूज करो वो भी 30,000 के बिल्ड में, तो भाई पॉसिबल नहीं है कि 30,000 में एक नए ग्राफिक कार्ड के साथ आप बिल्ड कर पाओ, वो भी एक अच्छे ग्राफिक कार्ड जैसे कि GTX 1650 जैसे नॉर्मल से 1080p वाले जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो भी अभी के समय में आप लोगों को 15,000 में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे जो यूज्ड मार्केट है उसमें आप लोगों को बहुत सारे ग्राफिक कार्ड देखने मिल जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ग्राफिक कार्ड ओल्ड यूज करना है, बाकी सारे कंपोनेंट न्यू हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई किधर से बाय करना है और कौन सा ग्राफिक कार्ड बाय करना है। अब देखो यहाँ पे आप लोग GTX 1650 जैसे ग्राफिक कार्ड को अगर ओल्ड परचेस करने जाओ तो यहाँ पे आप लोगों को 5,000 से 6,000 में आराम से देखने मिल जाएगा। इससे महंगा अगर कोई बेचता है तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओलेक्स वगैरह, फेसबुक ग्रुप और बहुत सारे ऐसे भी साइट हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे यूज ग्राफिक कार्ड देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अगर प्राइस को पूछ करते हो तो यहाँ पे आप लोग GTX 1660 Ti जैसे बहुत ही अच्छे ग्राफिक कार्ड को ले सकते हो जो कि आप लोगों को लगभग 8,000 टू 10,000 में मिल जाएगा और ये काफी पावरफुल बजट ग्राफिक कार्ड हो जाता है, बिकॉज इसमें तो कुछ गेम ऐसे भी हैं जिन्हें आप लोग 1440p में बहुत ही अच्छे FPS में खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग यूज ग्राफिक कार्ड परचेस कर रहे हो तो काफी सारी चीजें होती है जिसे आप लोगों को ध्यान में रख के परचेस करना चाहिए। सबसे पहला, हो सके तो प्रॉपर चेक कर लो ग्राफिक कार्ड, जो लाइव टेस्टिंग होता है बहुत सारे यहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों को टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करा के दिया जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन लेते हो किसी से ओलेक्स वगैरह में तो वहाँ पे भी आप प्रॉपर चेक करके लेना। तो हाँ यार, सिर्फ ग्राफिक कार्ड आपको ओल्ड यूज करना है, बाकी सारे कंपोनेंट नए लगाने हैं। सो इन सभी कंपोनेंट को पावर देने के लिए आप लोग एक 450 वाट का पावर सप्लाई यूज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे एंड स्पोर्ट की तरफ से आने वाला VS450L जो कि 450 वाट का एक पावर सप्लाई है जो कि प्राइस
प्राइस के हिसाब से तो काफी बढ़िया है, बिकॉज इसका जो प्राइस है दैट इज 1100 रुपीज में आप लोगों को मिल जाएगा। तो 450 वाट इनफ रहेगा इस वाले सिस्टम को पावर देने के लिए। और हम लोग ज्यादा महंगा यहाँ पे पीएससी यूज भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्राइस यहाँ पे 30,000 है। सो आपको जो कैबिनेट यहाँ पे यूज करना है दैट इज 2000 से लेके 3000 के रेंज में यूज करना है। आप लोग एंड स्पोर्ट की तरफ से आने वाला आइस 120 एजी गेमिंग कैबिनेट को यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा कैबिनेट है, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से सही है। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज 2500 रुपीज। सो यार हमारे टोटल पीसी का जो कॉस्ट होता है दैट इज 29,220 रुपीज। और यहाँ पे आप लोग 16 GB का रैम यूज करते हो, मतलब यहाँ पे एक रैम और एड कर देते हो, तो जो आपका फाइनल प्राइस रहेगा दैट इज 31,200 रुपीज। तो हाँ यार, आप लोगों को 16 GB रैम लगाना ही चाहिए अगर आप लोग स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग कर रहे हो तो। सो गाइस दीज आर दी बेस्ट कंपोनेंट फॉर पीसी बिल्ड अंडर रुपीज 30,000। तो इसमें आप लोग गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग जो भी करना है भाई, आपने जो भी करना है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो। कोई भी ट्रिपल टाइटल का गेम खेलना है, सारे गेम आप लोग बहुत ही अच्छे फ्रेम रेट में खेल सकते हो। अब ये अपने बजट का किंग पीसी हो जाता है, बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पे 30,000 में पीसी बिल्ड करो तो आपको यहाँ पे एक IGPU लगाना पड़ेगा, मतलब जिसमें इंटीग्रेटेड GPU होता है, जिसे हम लोग APU बोलते हैं, जैसे कि राइजन 5 5600G। इन्हीं तरीके के CPU को आप लोग यूज कर सकते हो 30,000 में अगर नए कंपोनेंट के साथ जाते हो। और उस वाले यहाँ पे बिल्ड के साथ अगर इसको कंपेयर करो भाई, कहीं भी वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा इसके सामने। तो ये बहुत ही बढ़िया लेवल का आपको परफॉर्मेंस देगा डेफिनेटली यार। अगर आपका बजट 30,000 था तो ये आपका एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। और लगभग सारे कंपोनेंट्स आपको अमेजन में ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये भी कमेंट आता था कि मुझे सिर्फ अमेजन से कंपोनेंट्स को परचेज करना है। तो आप एक ऐसा पीसी बिल्ड बनाओ जिसे हम लोग अमेजन से परचेज कर सके, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसे अमेजन से हम लोग खरीद सके। तो इस पीसी बिल्ड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं ग्राफिक कार्ड को छोड़ के, उसे आप लोग आराम से यहाँ पे अमेजन में खरीद सकते हो। और अभी के समय में काफी अच्छा डील भी चल रहा है, तो आप लोगों को डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो जाओ यार अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग पीसी बनाओ, वो भी 30,000 में ग्राफिक कार्ड के साथ। और चाहो तो यहाँ पे आप लोग CPU दूसरा यूज कर सकते हो, दैट इज i3, उनका इंटेल का i3 12th gen, जिसमें आप लोगों को सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा मिलता है, मतलब जब गेमिंग करोगे तो वहाँ पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। बट यहाँ पे देखो स्ट्रीमिंग भी करनी है, इसी के साथ साथ प्रोडक्टिव काम जैसे एडिटिंग जैसा भी काम करना है, तो ये काफी बढ़िया यहाँ पे चॉइस हो जाता है और फ्यूचर प्रूफ भी है। तो हाँ यार, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।